टिहरी के मोरबास थाना परिसर में आने वाले पर्व नवरात्रि दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी पर्व में आचार संहिता का पालन करने को लेकर चर्चा की गई है। शांति समिति की बैठक में एसडीओपी अजय मिश्रा, तहसीलदार हेमंत अग्रवाल शामिल हुए। थाना प्रभारी बीडी सिंह ने कहा कि नवरात्रि में माता का विसर्जन एक ही दिन में किया जाएगा, वहीं रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आगामी अभी नवरात्रि पर्व है और साथ ही आचार संहिता प्रभावशील है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण सभी जो यहाँ के गणमान्य शख्सियत हैं उनको आमंत्रित किया गया था और सार्वजनिक नवरात्रि पर्व में जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनाया जाता है तो उनके आयोजनों के स्थलों के बारे में चिन्हित करके विसर्जन और दशहरा तक के जो भी आयोजन हैं उसके बारे में सभी से चर्चा परिचर्चा की गई और उनसे जो सहयोग की अपेक्षा की गई और उनको भी जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, आचार संहिता संबंधी प्रावधान हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के बारे में भी बताया गया और शांतिपूर्ण और सकारात्मक बैठक संपन्न हुई। आज मोरबास थाना प्रांगण में जो शांति समिति की जो बैठक पूर्व में भी कई बार होती रही हैं तो आज की जो बैठक थी ये नवरात्रि जो पर्व आ रहा है इसको लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें ग्राम मोरबास एवं आसपास के ग्रामीण उपस्थित थे। खासकर मोरबास से दोनों ही संप्रदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सद्भावना से इस पर्व को मनाने का सब लोगों ने संकल्प लिया और आगे भी गांव में शांति बनी रहे इस तरह का संकल्प ग्राम में।